तो आई होप यू लाइक दिस लुक यू मैन विद हिज फोर डॉटर्स और आपके पास कोई अगर सवाल हो हमारे लिए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस पोस्टर आपका जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खास कर जाता है जैसे पिछली फिल्म भी हमने देखी थी आप रेडियो के साथ थे और उस लुक में इस बार पारिवारिक तरीके से और खास तौर से लड़कियों के ऊपर आपने ये लाइन लिखी है कि हमारी छोरियां चोरों से कम है तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी अगर आप ये थोड़ा ये जो है ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का कि एक इंसान है उसकी चार बेटियां हैं और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी चार बेटियां हैं और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे लिहाजा वो लाइन फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है हमारी छोरियां चोरों से कम है क्या सो इट्स अ स्टोरी अबाउट आई मीन दिस वन इमेज टेल्स यू ये आप बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है एंड सर अभी आप फारिग हो चुके हैं आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का बाकी तो शूट करने का जितना भी फेज था लाइक आप हैवी बॉडी में थे हाँ हाँ शूटिंग पूरी हो गई हमारी शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है जैसे आपने कहा मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था वजन बढ़ाया फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है एक छोटा सा 10-15% इज यंग तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे सामने हैं बड़ी बॉडी वाले या कम बॉडी शॉट एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है मतलब आप कैसे लगते हो क्योंकि हर दफ़ा आप किसी ना किसी किरदार में होते हो और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है बड़ा एल्डरली मोटा ग्रे हेयर आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक एंड आई थिंक इट्स रियली गोज़ विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर